नमस्कार। आज की कहानी है पहलवान की ढोलक, और यह कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु जी प्रतिनिधि कहानीकार हैं, और यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की हिम्मत का वर्णन करती है। कहानी शुरू करते हैं। गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा। आकाश में तारे चमक रहे थे और इसके अलावा कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात्रि थी। जंगल में गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ यदा कदा वातावरण की शांति को भंग कर देती थी। झोंपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल हो चुके कंठों में से माँ माँ की चित्कार की रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुत्ते जाड़ों के कारण राख की ढेरी पर अपने शरीर को बिल्कुल सिकुड़ा कर बैठे हुए थे, और जब वो रोते थे तो वातावरण में बिल्कुल डर फैल जाता था, दहशत सी फैल जाती थी। और यही वातावरण था जिसको बीच बीच में एक आवाज़ भंग करती थी। वह थी लुटन पहलवान के ढोलक की लगातार आने वाली आवाज़, जिसमें चट धा गिड़ धा, आ जा फिर जा, बीच बीच में चटाक चढ़ धा यानी उठाकर पटक दे। और इस आवाज़ में इतनी ताकत होती थी जैसी कि संजीवनी बूटी में होती है, क्योंकि जिले भर के लोग लुटन पहलवान के नाम को भली भांति जानते थे। लुटन की शादी बचपन में ही हो गई थी, जब वह 9 वर्ष के थे, और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी सास ने किया। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ का बदला लेने के लिए वह पहलवान बन गया और कुश्ती लड़ने लगा। एक बार वह श्याम नगर में होने वाली कुश्ती के दंगल को देखने के लिए गया। वहाँ पर बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया हुआ था, और उसने अपने साथ के सभी पहलवानों को कुश्ती में हरा दिया था, और शेर के बच्चे की उपाधि उसे मिली थी। उसे हराने की हिम्मत किसी भी पहलवान में नहीं थी। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी और लोगों ने उसे पागल समझा। कुश्ती शुरू होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट होता है। लुट्टन भी उससे लगातार लड़ाई करता है, कुश्ती करता है। भीड़ में काफ़ी अधीरता देखने को मिलती है। पंजाबी पहलवान का पूरा समूह जो था वो लुटन को गाली दे रहा था। बाजे बजने लग जाते हैं, किंतु लुटन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुटन को कसकर दबा लिया था और उसकी गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर आने को हो रही थी और उसकी सांस भीतर ही भीतर घुट रही थी। उसके साथ उसके ढोल की आवाज़ थी जो उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। ढोल ने धाक धिनाधिन तिरकिट धीना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया दांव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने सोचा कि कैसे अपनी गर्दन को चांद सिंह के कब्जे से छुड़वा ले। ढोल ने चटाक धा उठाकर पटक दे कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिनाधिन धिक धिनाधिन की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धा गिड़ गिड़ बहादुर बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की जय जयकार कर दी। साथ ही महावीर जी की और राजा श्यामचंद की भी जय जयकार हुई। लुट्टन ने श्रद्धा से ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। इस प्रकार से वह हमेशा के लिए उनके दरबार में रख लिए गए। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, और अब लुट्टन
दर्शनीय जीव बन गया था और मेलों में जाकर के लंबा चोगा पहनता, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध करके घूमता रहता। हलवाई कहता तो दो से रसगुल्ले खा जाता। दंगल में उसे लड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब उसे अनुमति नहीं देते थे। इस तरह से लगातार 15 वर्ष बीत चुके। उधर पहलवान की सास और पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुटन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके थे। तीनों का खाना खर्चा जो है राजा की तरफ से आता था। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विदेश से लौटकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया और साथ ही उसने तीनों पहलवानों की भी छुट्टी कर दी। गांव वालों ने इनके लिए एक झोपड़ी लगा दी जहां ये बच्चों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली थी, लेकिन यह व्यवस्था काफ़ी समय तक नहीं चली। अतः लुटन के पास सिखाने के लिए केवल 2 ही पुत्र बचे थे। एक दिन गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई, फिर मलेरिया और हैजे ने अपने पांव पसार लिए। गांव के सभी घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2 से 3 मौत होने लगी। लोग एक दूसरे को हिम्मत देते। सूर्यास्त होते ही सब घरों में घुस जाते, सब चुप रहते, केवल पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। गांव के अर्धमृत, औषधि उपचार और पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ जो थी वो संजीवनी बूटी का काम करती थी। और एक दिन वह आया जब पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे और एक लंबी सांस लेकर लुटन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुटन ने राजा साहब के द्वारे दी गई रेशमी जंघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया और इससे गांव वालों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक रात को ढोलक नहीं बोली तो देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए।